चलिए मुड़ गए हैं हम अपने फ्लाईओवर की तरफ। तो आज हम लोग जाने वाले हैं, इस फ्लाईओवर से बहुत अच्छा फ्लाईओवर है, जनकपुरी को सीधा पश्चिम बिहार से जोड़ता है। जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से ये स्टार्ट होता है और ये भीराइन किले तक जाता है। ठीक है, आज इसके ऊपर हम लोग ड्राइविंग करेंगे और बहुत सालों की मेहनत के बाद ये फ्लाईओवर बना था और जिन लोगों ने डायरेक्टली अपने डिस्ट्रिक्ट सेंटर से पश्चिम बिहार जाना होता है उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, तो नीचे का ट्रैफिक इसका बिल्कुल अवॉइड हो जाता है। तो आज इसके ऊपर ड्राइविंग करेंगे, बहुत अच्छे से मेंटेन है ये। व्यू बहुत अच्छा आता है और स्पेशली संडे के दिन, मंडे के दिन, मतलब छुट्टी वाले दिनों में लोग इसके ऊपर आते भी हैं और वो कुछ सेल्फी वगैरह भी लेते हैं। और मॉर्निंग के टाइम में इवन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर कम ट्रैफिक होता है तो वॉक करते भी आते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ये हम देख सकते हैं हमारे भारत का झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, बहुत अच्छा व्यू दे रहा है ये झंडा भी। और देखिए सामने हमारा गुरुद्वारा है। ठीक है, और बहुत स्मूथली चलता है इसके ऊपर ट्रैफिक, बहुत स्मूथली चलता है और नॉर्मली इसके ऊपर हमें जैम नहीं मिलता है। और जिन लोगों को सीधा डिस्ट्रिक्ट सेंटर से पश्चिम बिहार जाना होता है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और इसमें डेफिनेटली आसपास आप देख सकते हैं जो आपको व्यू भी मिलता है, बिल्कुल ऐसा व्यू मिलता है जैसे आप सिटी के बाहर निकल गए हों, लॉन्ग जर्नी पे आप चले गए हों। शाम का टाइम है, स्ट्रीट लाइट्स भी जल चुकी हैं, हालांकि अंधेरा होने में भी टाइम है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट पे भी आप देख सकते हैं कि जो एलईडी लाइट्स बनाई गई हैं वो हमारे तिरंगे झंडे की फॉर्म में नज़र आ रही हैं, जिसमें हमारा केसरी, वाइट और ग्रीन कलर तीनों नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा लुक दे रहा है, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये। और डेफिनेटली अगर आपको जनकपुरी से रोहिणी जाना हो, जनकपुरी से पश्चिम बिहार जाना हो, जनकपुरी से इवन बाईपास क्रॉस करना हो, तो सीधा आप इस फ्लाईओवर पर चढ़ जाइए और देखिए ड्राइविंग का मज़ा कुछ और ही आता है। हालांकि बिल्कुल एकदम मैं अपना स्पीड लिमिट में चला रहा हूँ, जो स्पीड इसमें दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से वो है 50 किलोमीटर पर आवर। और डेफिनेटली मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी स्पीड लिमिट में ही चलाएं, बिकॉज़ ये रोड इतनी बढ़िया है कि आपका दिल करेगा कि थोड़ा सा आप उसको फास्ट चलाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग वैसे भी आते हैं, यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, आप कुछ नज़ारे वगैरह लेते हैं, तो डेफिनेटली उनको एक बड़ा कूल सा एहसास होता है स्ट्रेस फ्री होने के लिए। सामने आप देख सकते हैं, तो अब हम जो है ये मतलब उतरने वाले हैं पश्चिम बिहार में। तो यहाँ सामने एक नर्सिंग होम है हमारा, सहगल नर्सिंग होम, ये भी आ गया है। और नाउ अब हम लोग जो है मीराबाग पहुंच चुके हैं। मीराबाग सुंदर विहार, और सामने आप देख सकते हैं उस सामने हमारा पश्चिम विहार का एक इकलौता 5-स्टार होटल है रेडिसन ब्लू। और ये जो फ्लाईओवर है, देखिए अब हम नीचे उतर रहे हैं इस फ्लाईओवर के, और ये फ्लाईओवर जो है ये टर्मिनेट करता है आगे भीरा इंक्लेव के गोल चक्कर पर। और भीरा इंक्लेव के गोल चक्कर में अगर आप अंडरपास बनाए हुए हैं, तो अगर आप पीरागढ़ी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप उस अंडरपास से आगे पीरागढ़ी को अप्रोच कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग अंडरपास नहीं जाएंगे, हम लोग इसकी सर्विस लेन जाकर वहाँ से हम अपना गोल चक्कर पर लेंगे। ठीक है, तो ये हम फ्लाईओवर से नीचे उतर आए हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस जर्नी को मेरे साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।